स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा। कि देयर इज सिस्टम इन दिस यूनिवर्स, ये सृष्टि के अंदर दो शक्तियां चलती हैं, एक फोर्स शक्ति, मूवमेंट शक्ति, जिसे हम शक्ति कहते हैं, जिससे हम मूव होते हैं, हमारे विचार मूव होते हैं, हम मूव होते हैं फिजिकली, हमारे विचार मूव होते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर साधन संपत्ति सामग्री और सत्ता, ये भी शक्ति है। कौन सी? सत्ता संपत्ति साधन और सामग्री, ये भी शक्ति है, एनर्जी, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। तो हम ये मंगलवार तक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को शुद्धिकरण करेंगे। हमारे सबके अंदर ये शक्ति है और ये सिद्ध चक्र महायंत्र हमारा निमित्त है, सिमंदर स्वामी की कृपा है और आश्रय है, जीवित तीर्थंकर है। जितना हम उनसे ये शक्ति मांगेंगे उतने हम विशुद्ध बनेंगे, उनकी शक्तियों से, उनकी विशुद्ध शक्तियों से। और ये सिद्ध चक्र यंत्र हम पकड़े या न पकड़े, ये यंत्र पकड़ेगा जरूर, वो शक्ति को ग्रहण करेगा। और इसीलिए जो भी आप यंत्र के सामने बैठे हैं, वो ये चार्जिंग हो रहा है, डिवाइन एनर्जी से चार्ज हो रहा है। इसलिए हम सबको ये प्रेरणा करते हैं बार बार, हर 6 महीने ऐसे सिद्ध चक्र यंत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसी आराधना में आइए, पधारिए, परिवार के साथ बैठिए और अपने आप को चार्ज कीजिए, यंत्र को चार्ज कीजिए डिवाइन एनर्जीज के साथ, डिवाइन शक्तियों के साथ, दिव्य शक्ति, डिवाइन यानी दिव्य शक्ति, जो हमेशा हम पर कृपा करती है, हमारे परिवार पे कृपा करती है। आप घर के अंदर उसे स्थापित करते हो, रोज साथ में मिलकर आरती, मंगल दीपक, मंत्र जाप जिस घर में होता है, उस घर के अंदर हर व्यक्ति का और हर परिवार का मंगल होना ही है। ये साइंटिफिक सिस्टम है, कोई कर्म सत्ता की चलती नहीं है। हम भले चाहे कोई भी भारी कर्म लेकर आए हैं, लेकिन उसका हल इसके अंदर है। और इसलिए साल में 2 बार ऐसी आराधना और साधना होती है, ये पूरी साइंटिफिक सिस्टम है। जो हम रोज आगे आगे थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे, अपने आप को विशुद्ध बनाते जाएंगे, आज जो सीखेंगे आपको 24 घंटे उसे जीवन में अप्लाई करना है। अप्लाई अप्लाई फुल रिप्लाई, नो अप्लाई नो रिप्लाई, समझ में आया? कितना सुनते हैं वो महत्व का नहीं है, कितना अप्लाई करते हैं। हाँ, अप्लाई करेंगे तो सप्लाई मिलेगी, अप्लाई नहीं करेंगे तो सप्लाई नहीं मिलेंगी, सप्लाई नहीं मिलेंगी तो जो कर्म में लिखा है, भाग्य में लिखा है, वो हमें परेशान करके निकल जाएगा और हम परेशान रहेंगे। और ये सामूहिक एनर्जी डेवलपमेंट है। अभी यहाँ आप लोग आए हैं, 100-150 लोग बैठे हैं, तो ये सामूहिक एनर्जी है, ये वलय है, वेव फॉर्म है। हम सब एकाग्र होकर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर, एक विचारधारा के अंदर, एक भावधारा के अंदर सब जुड़ेंगे मंत्र के साथ, भावधारा के साथ, जैसे, और साथ में ज्ञान प्राप्त करेंगे। और उस ज्ञान, जितना जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतनी उतनी एनर्जी की विशुद्धि होगी और पावरफुल होगी। एनर्जी की विशुद्धि भी होगी और एनर्जी पावरफुल भी होगी।
ये इस प्रकार की व्यवस्था है। और जैसे जैसे ये विशुद्धि होगी, आप जो भी कर्म लेके आए, जो भी भाग्य लेके आए, वो रीडेवलप होगा, रिजोवेनेट होगा, रिचार्ज होगा। कितने भी अंतराय लेकर आए हैं, वो अंतराय टूटना शुरू हो जाएगा। स्वतंत्र जरूर बनूंगा मैं, स्वतंत्र जरूर बनूंगा मैं, स्वतंत्र जरूर बनूंगा मैं, स्वतंत्र जरूर बनूंगा। आवाज नहीं आ रही है। मैं श्रमण जरूर बनूंगा, जरूर।